हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों फिर से एक बार नए व्लॉग में। और आज है बहुत स्पेशल डे मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे। तो आज ही के दिन मेरी दीक्षा हुई थी 21 अप्रैल, और आप लोगों ने वीडियो को जरूर देखी होगी, और नहीं देखी तो चैनल में जाना और मोस्ट व्यूड पे क्लिक करना। सबसे ज़्यादा वही है देखी गई मेरी वीडियो, और गुरुदेव की कृपा है। और आज मैं आया हूँ अपना ये बर्थडे बनाने हमारे टेम्पल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेम्पल हमारा। तो सुबह सुबह मैं आया था, मंगला आरती अटेंड करी, उसके बाद अपना हरि नाम का जाप किया। तो जो लोग जाप नहीं करते तो वो कृपया करके चालू कर दीजिए, क्योंकि हरि नाम ही आधार है जीवन का, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक स्पेशल डे भी है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाहूँगा, क्योंकि अब जैसे कि पहले मेरी पढ़ाई चलती थी, मैं पढ़ाई कर रहा था, अब मेरी जॉब चालू हो चुकी है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो कई मतलब इतना टाइम तो मेरे को मिलता नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ। तो जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं हमारे पास, तो उसमें से 6 के 6 दिन तो मेरे ऑफिस के अंदर जाते ही जाते हैं, लेकिन एक संडे ऐसा होता है जो मैं मंदिर और अपने ठाकुर जी को देता ही देता हूँ। तो आप लोग भी टेम्पल आए, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ज़रूर आए और भगवान के दर्शन कीजिए। और संडे का क्या महत्व मंदिर आने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ दर्शन आरती अटेंड करने, और आपसे तभी मिलता हूँ। गोविंद राधे राधे। ये बहुत फॉर्चुनेट बात है मेरे लिए कि मेरे को आज ही के दिन मेरे गुरुदेव के दर्शन हुए। तो अब हम दर्शन आरती अटेंड कर रहे हैं, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज के दर्शन कर रहे हैं, और अब हम करेंगे गुरु और गौरांग के दोनों के साथ में। और उसके बाद राधा पार्षदी गोविंद राधे राधे, हमारे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के। फिर उसके बाद हम लोग अटेंड करेंगे गुरु पूजा, प्रभुपाद गुरु पूजा अटेंड करेंगे, उसमें नृत्य करेंगे खूब सारा और मस्ती करेंगे। फिर हमने अटेंड करा हिज होलीनेस राधा श्यामानंद स्वामी महाराज का लेक्चर। उन्होंने इतनी सुंदर कथा बताई जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। घमंड और वैष्णव कृपा और हरि नाम की महिमा हमने जानी कि घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वैष्णव कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हरि नाम तो है ही हमारा ज़रूरी अगर हमें भगवत धाम की और भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। ये था हमारा संग, इसे बोलते हैं संग डे। तो देखा आप सभी ने कि संडे का क्या महत्व है। संडे का मतलब होता है संग डे, यानी भक्तों का संग। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ भक्तों के बीच रह के ही कर सकते हैं, मंदिर आके कर सकते हैं। हम घर पे बैठ के सोचे कि हम सब चीज़ कर ले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। आप सोचो कि मैं स्कूल की बुक्स और कॉलेज की बुक्स लाके अपने घर में बैठ के पढ़ लूँ तो पढ़ाई हो जाएगी और मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मंदिर आना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा संडे, और ये था संडे का महत्व। संडे यानी संग डे, मतलब भक्तों का संग डे। तो आप भी भक्तों का संग कीजिए, हर संडे मंदिर आइए, भक्तों से जुड़िए, और अपने सवाल जो भी स्पिरिचुअल आपके कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसमें मैं आपको वीडियो के थ्रू बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। और ये वीडियो काफ़ी छोटी इसीलिए गई थी ताकि आप लोग छोटी सी वीडियो में ज़्यादा समझ जाए। तो आई होप आप सभी को ये देख के मज़ा ज़रूर आया होगा कि और आनंद आया होगा कि आप लोगों को भी मंदिर आना है। तो आप भी टेम्पल आइए और मस्ती कीजिए, और हरि नाम का जाप कीजिए, हरि नाम में मस्ती है, हमेशा ध्यान रखना। हरि बोल। दबा कर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए।